आपका स्वागत है। बीजेपी की सरकार कर्नाटक में 55 घंटे के अंदर ही गिर गई है। एचडी कुमारस्वामी होंगे नए मुख्यमंत्री कर्नाटक के। अभी ग्रेटर नोएडा की कांग्रेस इकाई किस तरीके से खुशी जाहिर कर रही है इस बेहद ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के राहुल गांधी जी, नया ऊर्जा है कांग्रेस के साथ। तो हम जानते हैं क्या है गौतम बुद्ध नगर जिले के अध्यक्ष महेंद्र नागर जी का प्रतिक्रिया इस जीत के लिए। मैं सबसे पहले तो आप सबको भी बधाई देता हूं, हम तो सब खुश हैं, लेकिन जनता में भी खुशी की लहर दौड़ गई कि जो लोकतंत्र की हत्या, जो हमारे इंस्टीट्यूशन से उनकी हत्या, तो आरएसएस और बीजेपी और अमित शाह और मैं तो कहूँगा जो प्रधानमंत्री भी शामिल है, वो किसी की वैल्यू नहीं समझते और अपने आप को बहुत बड़ा तुरंखा ताराशाह की तरह से वो काम कर रहे हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहाँ पे उन्होंने रख अपना जाइए बहुमत सेट करिए, और वहाँ क्योंकि उनके पास बहुमत था ही नहीं, सबको दिखाई दे रहा था कि अगर ये बहुमत सिद्ध करेंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी, पैसे दिए जाएंगे कई लोगों को। हमारे दो एक हमारा भी है, दो हमारे एमएलए, एक उनका भी एमएलए, उन्होंने पकड़ के पता नहीं कहाँ बैठा रखा था, और पता हमें ये चलिए कि इसमें केंद्र सरकार का भी हाथ था कि उन्हें इशारा किया गया था कि पैसे लो तोड़ो। लेकिन मैं वहाँ के एमएलए जितने भी हैं, चाहे जेडीएस के हैं चाहे कांग्रेस के हैं, उन्होंने बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया और एक भी अपने पद से या अपनी भावना से तत्समस नहीं हुआ। और इस समय हम सब में खुशी की लहर है कि इससे दो काम हुए, सारे विपक्षी नेता एक हो गए और मोदी जी जो कहते थे कांग्रेस को हम हटा के अब जो चुनाव होंगे, क्या आगे जो 2019 की चुनाव होने वाली है उसकी भी से तैयारी समझी जाए? ऐसे ये तो हमारे हाईकमान ही तय करेगा, लेकिन हमें संभावना है कि शायद बीजेपी को हटाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। अभी ऐसा संकेत हमें नहीं दिया गया है। बीजेपी हटाने के लिए ऐसी संभावना है कि विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं वो साथ सभी एकजुट हों। आप लोगों ने जो समर्थन दिया है कर्नाटक का, वो बिना कोई शर्त के समर्थन है, तो क्या इस तरीके से अगर 2019 की चुनाव में अगर कोई ऐसा ही परिणाम आता है जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत ना हो और कांग्रेस भी सरकार ना बना पा रही हो, तो क्या ऐसी भी संभावना हो सकती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना बने और किसी को आप समर्थन दें? ये बात तो बहुत कुछ ऊपर के स्तर की है, हम जैसे जो जिला स्तर के नेता हैं, लेकिन हमारी भावना होगी हम व्यक्त करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, दो ही ग्रुप रहेंगे चुनाव में, बीजेपी या तो बीजेपी समर्थन या कांग्रेस समर्थन। फिलहाल कांग्रेस के लिए बहुत ही खुशखबरी का समय है और कर्नाटक में एक बार फिर से दोबारा से कांग्रेस के समर्थन से जेडीएस की सरकार बनेगी। आगे की अधिक खबरों के लिए जुड़े रहें ग्रेनो न्यूज के साथ।